इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस, होगी जी, रेप्डो रेप्डो मायो समथिंग, वो जो है ना, वो इसमें मैंने आपको सीपीके का सारा लेवल बताया हुआ था। पेज नंबर है जी 65, एमसीक्यू नंबर 77। बेसल सेल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन टाइप होती है नोड्यूलर। टाइप वन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन अकर्स ड्यू टू इयोसिनोफिल्स एंड दिस मैकेनिज्म विल अकर ड्यू टू इनहेल्ड डस्ट। ठीक है, इनहेल्ड डस्ट की वजह से टाइप वन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। कार्डिक आउटपुट मेजर्ड बाय थर्मोडाइल्यूशन मेथड इज कॉल्ड इंडिकेटर डाइल्यूशनल मेथड। इंडिकेटर डाइल्यूशनल मेथड, याद है वो जो ठंडे पानी वाला मेथड था, वो इंडिकेटर डाइल्यूशनल टेक्निक थी। बेसिकली टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, ठंडा पानी जो है वो हम डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज ए होल इज सिंपैथोएड्रिनल रिस्पॉन्स। ठीक है, और मैप लेस देन अगर 60 हो एमएपी मीन आर्टेरियल प्रेशर, तो वो क्या होगा, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, बड़ी जल्दी वाला बेरोसेप्टर्स। ठीक है, पेशेंट विद HbF15 ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 20, एल्वियोलर PO2 इज 40, वीनस ऑक्सीजन इज 15, व्हाट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज दिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, कौन सा हाइपोक्सिया होगा इसमें जी, एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40। ठीक है, व्हिच इज शोइंग दिस इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड की इसने हिस्ट्री दी है, नहीं दी। ठीक है, अगर हाई एल्टीट्यूड या व्यूअर की मिसमैच दिया हो तो वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में फैट नेक्रोसिस होती है। अच्छा, उसके बाद आ गया ओमेप्राजोल ले रहे हैं, इंट्राफेलेंजियल और डिस्टल फेलेंजियल ज्वाइंट में स्वेलिंग हो गई है, तो आप उसकी पेन के लिए कौन सी ड्रग दोगे। ठीक है, तो उसमें आप एसेट अमेनोफिन दोगे। ठीक है, एसेट अमेनोफिन दोगे फॉर, यानी उसको जीआई का मसला है, तो इस वजह से आप एसेट अमेनोफिन दोगे 1000 mg TDS, 1000 mg TDS, एसेट अमेनोफिन 1000 mg TDS। अच्छा, द पेशेंट हैविंग राइट साइडेड वीकनेस एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस एंड टंग डेविएटेड टू लेफ्ट, लियन इज लोकेटेड इन। ठीक है, तो इसमें अब ये पूछ रहा है कि टंग डेविएट हो रही है लेफ्ट साइड पे, तो इप्सिलेटरल हाइपोग्लॉसल डिस्फंक्शन जो होता है, वो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में होता है, और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम जो होता है वो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की वजह से होता है, ठीक है, जो भी समवन इज सेइंग 83 रिपीट करते हैं, जब भी जो है ना ये आ जाए ना कि जीआई का कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए वो ऑलरेडी राइजिक वगैरह ले रहा है। ठीक है, और उसमें स्वेलिंग हो गई है, और आपने स्वेलिंग और पेन के लिए उसको रिलीव करना है, तो आप क्या चीज़ दोगे, तो उसमें आप एसिड अमिनोफिन को प्रेफर करते हो। ठीक है, और एसिड अमिनोफिन की डोज उसने बता दी है, फॉर मेडिसिन पीपल आप लोगों को ये याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 1000 mg TDS, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली विल कीप यू पेन फ्री। ओके जी, 14 ईयर गर्ल विद रैश ऑन लेग्स आर्म्स विद इचिंग वेयर शी ईट्स फिश आफ्टर 1 आवर एंड रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली आफ्टर सम टाइम दिस मोस्ट लाइकली ड्यू टू। ठीक है, अब एक 14 साल की लड़की है, उसके रैश बन गए आर्म्स पे लेग्स पे, इचिंग भी है उसको जब भी वो फिश खाती है। ठीक है, आफ्टर 1 आवर एंड रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, जब भी कोई चीज लाइक एनाफिलैक्सिस लाइक सिम्टम्स आए और वो रिजॉल्व हो जाए तो वो लोकलाइज्ड होते हैं बच्चों, ठीक है, तो दिस इज लोकलाइज्ड एनाफिलैक्सिस। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में डिफेक्ट क्या होता है, स्फेरोसाइटोसिस में एस से स्फेरोसाइटोसिस, एस से स्पेक्ट्रिन, और ये डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। हार्मोन विच इंक्रीज सिक्रीशन इन डार्क एंड कॉज हाइपोगोनेडिज्म इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है वो डार्क में होता है, ठीक है, और जो डीप स्लीप है उसमें ग्रोथ हार्मोन, और अर्ली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल। रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ हार्मोन आर प्रेजेंट इन विच पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थायराइड के रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं, अच्छा, मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। और एक एमसीक्यू आता होता है कि हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, उसमें ALT/AST उसने रेज दिया होता है, तो कॉज उसने पूछा होता है क्यों है, तो वो मेम्ब्रेन डैमेज हेपेटाइटिस में। साइट ऑफ मर्मर फॉर एओटिक रिगर्जिटेशन इज, तो एओटिक रिगर्जिटेशन की APTM, ठीक है, तो वो साइट ऑफ मर्मर होगी राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये जी होगी एओटिक रिगर्जिटेशन का मर्मर। एथेरोमा फॉर्मेशन इज ड्यू टू, ठीक है, तो ये वो जो गंदा लख दी लानत वाला LDL था वो एथेरोमा फॉर्मेशन करवाएगा। स्टूडेंट केम विद पेल नेजल म्यूकोजा, नेजल कंजेशन एंड स्नीजिंग, ही इज हैविंग दीज सिम्टम्स सिंस 3 मंथ्स विच विल बी अफेक्टिव नाउ। ठीक है, तो आप जब नेजल कंजेशन होगी तो उसको स्टीरॉइड्स का शॉट दें, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके जी, पर्सन हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर मेनी ईयर्स, ऑन एंडोस्कोपी देयर इज मैस इन मिडिल थर्ड ऑफ ऑसोफेगस। ठीक है, तो एडिनो मतलब नीचे, वो नीचे वाले ऑसोफेगस में होता है, और ऊपर क्या होगा, वो होगा स्क्वेमस सेल, ओके जी। इसके बाद आ गया लीडी हेड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर फॉर 2 डेज, LCS डन, फोली पास्ट,
urine started leaking after 10 days. What could be the cause? So VV fistula, vesico-vaginal fistula, vesico-vaginal fistula, vesico matlab bladder. Chi square is used to measure statistical. बेसिकली जो काई स्क्वायर होता है 2x2 टेबल और कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है, और एक वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी एक आता है कि उसके लिए भी यही होता है. अच्छा, और जो टी टेस्ट है दोनों ये ग्रुप्स के लिए होते हैं, टी फॉर टू ग्रुप्स के लिए टी टेस्ट, और इनोवा मतलब इनोवेशन कर दो वो 3 ग्रुप्स के लिए, और पाई स्क्वायर जो होता है वो परसेंटेजेस के लिए होता है. रेडिएशन कैंसर कॉज करती है मोर देन 10 ईयर्स के बाद से. मैलिग्नेंट क्वार्टरनरी मलेरिया इज कॉज्ड बाय, जो टर्शियरी मलेरिया है वो पी फैल्सीपेरम से, और जो क्वार्टरनरी मलेरिया है वो पी मलेरी से, और इसका लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है. पेंडुलर नेचर की द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, पेंडुलर नेचर जो होता है वो बेली वाले सेरिबेलम की वजह से होता है. क्रोनिक विलर सैंपलिंग को याद होगा, कैमकॉर्ड, ठीक है, और इसकी जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो 10 वीक वाला जो है वो सबको याद होगा. अच्छा, बेस्ट वे टू मेजर GFR इज क्रिएटिनिन क्लीयरेंस. क्रिएटिनिन क्लीयरेंस जो होता है वो बेस्ट वे टू मेजर GFR है. चलो जी नमाज पढ़ लो, जिन लोगों ने नमाज पढ़नी थी. अच्छा, क्रोनिक कोल्ड अडॉप्टेशन अकर्स थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ठीक है, तो वही बर्फानी रीच फॉर्मेशन. सर सॉरी फॉर लेसर सैग. लेसर सैग की बाउंड्रीज क्या होती हैं? तो लेसर सैग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सुपीरियरली बाय क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर. मैंने आप लोगों को एपिप्लोइक फोरामेन की बच्चों बाउंड्रीज करवाई थी, लेट्स रिवाइज दोस. एपिप्लोइक फोरामेन के क्या होता है, एपिप्लोइक फोरामेन इज अ फोरामेन जो लेसर सैग को ग्रेटर सैग से मिलवा रहा है, ठीक है, तो इसके सुपीरियरली सी वाला क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर, इसके इंफीरियरली ड्यूडिनम, और उसके बाद जो लीवर से हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट इंटीरियरली, और पोस्टीरियरली क्या था, इंफीरियर वेना केवा. तो लेसर सैग को ग्रेटर सैग से मिलाने वाला जो फोरामेन है वो एपिप्लोइक फोरामेन है ना, तो उसी तरह जो लेसर सैग है उसके भी सुपीरियरली यही क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर होगा, एपिप्लोइक फोरामेन के भी सुपीरियरली क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर होगा. अच्छा, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल टू सेल, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल टू सेल बाय, ठीक है, तो सेल टू सेल वाला जो होता है वो गैप जंक्शंस के थ्रू होता है. ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होती है वो P53 होती है, और रीनल और गोनेडल एजेनेसिस में कौन सी होती है, WT1 सर. ब्रोकास एरिया ऑफ द स्पीच इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्रोकन माउथ, ठीक है, इंफीरियर फ्रंटल, मुंह सामने है और फ्रंट वाला नीचे वाली चीज, ठीक है. एंजाइम रिलीज इन हार्ट फेलियर इज बीटा नेट यूरेटिक पेप्टाइड BNP. BNP जो होता है वो हार्ट फेलियर में रिलीज होता है सर. Which one causes severe steatorrhea? तो fats in stool को कहते हैं steatorrhea, fats in stools को कहते हैं steatorrhea, और lipases जो होते हैं वो pancreas में present है. अगर pancreatic resection होगी तो lipases नहीं होंगी, fats का breakdown नहीं होगा, और they will come in stool. That is steatorrhea, not in urine. एक lecture में मैं urine में जा रहा था, तो fats in stools, ठीक है, this is steatorrhea. ओके, रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स ड्रेन इनटू, तो रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं वो फेरिंग्स को और ऑडिटरी ट्यूब और फेरिंग्स को ड्रेन करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फोसा, ओवेरियन फोसा के पीछे क्या होगा, ओवेरियन फोसा के पीछे यूरेटर होगा, ठीक है. अब लाइक दिस इज ओवेरियन फोसा, ये ब्रॉड लिगामेंट है और ये ओवेरियन फोसा है, तो यहाँ पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे क्या होगा, ओवेरियन फोसा के यूरेटर होगा. लाइक दिस इज यूरेटर कमिंग ऑन द पोस्टीरियर साइड, यूरेटर और इंटरनल आइलिक आर्टरीज, ठीक है. सर सुपीरियरली क्या होगा, एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स होंगी, एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स, ठीक है. अच्छा, और इंटीरियरली क्या होगा, मैंने बताया इंटीरियरली ये ब्रॉड लिगामेंट पड़ा होता है, ये ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है. अच्छा, और इंफीरियरली क्या होगा, ऑब्चुरेटर नर्व. ओके, पेशेंट हैज एम्फाइजीमा, व्हाट विल बी द एसिड बेस इंबैलेंस प्रेजेंट इन हिम. तो एम्फाइजीमा में बेसिकली क्या होगा, एम्फाइजीमा में बेसिकली क्या होता है कि हमारे नॉर्मली जो सांस ले रहे होते हैं CO2 को एक्सहेल आउट कर रहे होता है, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होता है. एम्फाइजीमा में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से CO2 एक्सहेल आउट नहीं होती, तो इस वजह से प्लाज्मा PCO2 लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन इंटर एल्यूवियर सेप्टम, रिमेंबर पीछे मैंने जब एल्यूवियर मैक्रोफेजेस बताया था मैंने कहा था ये भी MCQ आता है कि इंटर एल्यूवियर सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो देखो आ गया ना, इंटर एल्यूवियर सेप्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस. अच्छा, HIV patient present with fever, necrosity, meningeal irritation, ठीक है, तो involving the brain tissue, what is the likely cause? तो cryptococcus neoformans, AIDS में वो करवाता है, meningitis.
फ्रेनिकोलिक लिगामेंट जो होता है वो डैमेज सपोर्ट्स विद स्ट्रक्चर. तो फ्रेनिकोलिक लिगामेंट जो होता है ना, फ्रेनिकोलिक ठीक है, वो किस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा होता है? तो वो स्प्लीन को कर रहा होता है सर. स्प्लीन को जो है ना फ्रेनिकोलिक लिगामेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है. बेसिकली वो डायफ्राम से जो होता है ना स्प्लेनिक फ्लेक्चर, वहां तक वो लिगामेंट आ रहा होता है. डायफ्राम से स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक आ रहा होता है, तो वो सपोर्ट कर रहा होता है स्प्लीन को सर. जीएफआर इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जीएफआर कब इंक्रीज होगी? सिंपल सी बात है, मैंने कहा था जहां से ब्लड आ रहा है वो डायलेट कर दो और जहां से जा रहा है उसको कंस्ट्रिक्ट कर दो. तो ये जीएफआर इंक्रीज होगा, इफ्रंट की कंस्ट्रिक्शन, इफ्रंट की डायलेशन. ठीक है, तो जीएफआर इंक्रीज बाय इफ्रंट की कंस्ट्रिक्शन. लेकिन एक वो एमसीक्यू जो दे रहा था पीछे कि जीएफआर इंक्रीज बाय डिक्रीज इन व्हाट सर? डिक्रीज इन व्हाट? तो जो एफ्रंट की कंस्ट्रिक्शन थी ना उसको डिक्रीज करो तो उसका मतलब डायलेशन ही होता है, उससे भी इंक्रीज होता है. क्लियर? चलो, स्टेंसन्स डक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन इज, ठीक है, तो स्टेंसन्स डक्ट की जो एनाटॉमिकल लोकेशन है वो बकल स्पेस होगी, बकल स्पेस. ठीक है, तो स्टेंसन डक्ट जो है वो उसके एनाटॉमिकल लोकेशन सबसे जो छोटा जवाब है उसको हमने चूज करना है. सबसे छोटा जवाब है बकल स्पेस, बकल स्पेस होगी, ना मैसेटर ना मीडियल टेरिगॉइड कुछ भी नहीं. स्टेंसन डक्ट जो है वो छोटी सी स्पेस जो होती है बकल स्पेस, वहां में जा रही होती है, वो उसके एनाटॉमिकल लोकेशन है. अच्छा, मेंटल फोरामेन लोकेशन रिलेटेड टू मैंडिबल, ठीक है, वो होगी सेकेंड लोअर प्रीमोलर, सेकेंड लोअर प्रीमोलर. ठीक है, मेंटल फोरामेन जो होता है वो सेकेंड लोअर प्रीमोलर में होता है. एक तो मोलर कौन सा? प्रीमोलर. ठीक है, और कौन सा? सेकेंड लोअर प्रीमोलर. ठीक है, मेंटल फोरामेन सेकेंड लोअर प्रीमोलर. After gunshot injury to lower back, patient has loss of contralateral pain but intact temperature. ठीक है, तो जब contralateral pain जा रही हो और बाकी उसने sensation intact दी हो तो क्या होगा? Section of dorsal root S1. ठीक है, Brown's quad में basically ipsilateral motor loss होता है बच्चों, ipsilateral motor loss होता है, हमने पढ़ा था, और contralateral pain और temperature जा रही होती है. ठीक है, ipsilateral motor loss यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ. ipsilateral motor loss नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ उसने जब contralateral pain का बात की हो और intact temperature किया हो, ipsilateral motor loss ना दिया हो, तो फिर section of dorsal root S1 होगा. अगर ipsilateral motor loss दिया होता, ठीक है, और साथ contralateral pain और temperature होती, तो फिर Brown's quad होता. organ with high arteriovenous oxygen difference at rest is heart. patient was taking glucocorticoid, rapid withdrawal will cause. ठीक है, तो एक्सोजेनस, इसमें मैंने आप लोगों को एक वर्ड ऐड किया था, एक्सोजेनस. जब आप एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोगे तो उसको फौरन से रोक दो, तो उसकी वजह से एंडोजेनस सिस्टम जो होगा वो सप्रेस हो जाएगा. मिसाल आप लोगों को याद आ जानी चाहिए कि अगर आप रोज रोज घर में बाजार से रोटियां लेके आते रहोगे, तो एक दिन आप अगर घर वालों को कहोगे कि रोटी पका के दे, तो रोटी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो क्योंकि वो सिस्टम जो है वो सप्रेस हो गया होता है ना, तो सप्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल सिस्टम अगर एक्सोजेनस इमदाद मिल रही है. A young lady has gallstone which has caused blockage of bile duct, this will lead towards it. ठीक है, जब gallstones हो गए तो bile acids जो है वो intestine में नहीं पहुंचेंगे, जब bile acids intestine में नहीं पहुंचेंगे तो fats की absorption नहीं होगी, जब fats की absorption नहीं होगी तो steatorrhea होगा. steatorrhea अच्छी बात है जी, अच्छी बात है. increase fat contents of stool. ठीक है, अच्छा, during game boy injured which area of orbit by ball that now there is vertical diplopia at anophthalmos. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि bulging of eyeballs जो होता है वो exophthalmos होता है, और sinking of eyeballs होता है वो क्या होता है? into the face, वो क्या होता है? anophthalmos. ठीक है, तो जो sinking होती है ना, eyeballs अंदर को चली जाती है, उसमें floor damage होता है, तो जब भी anophthalmos का word वो add कर देना, चाहे exophthalmos दिया हुआ है, लेकिन अगर वो anophthalmos